स्वयं सहायता समूह की कैडर दीदी, सामुदायिक शौचालय केयर टेकर बहनों ने कर दिया है अपने हक की लड़ाई लड़ना शुरू। जैसे कि मैंने आपको कल एक कम्युनिटी में पोस्ट भी किया था और आपको बताया था कि सामुदायिक शौचालय केयर टेकर बहनों ने अब अपनी मांगों को लेकर के लगभग 5 सूत्री मांगों को लेकर धरना प्रदर्शन शुरू कर दिया है और ज्ञापन भी सौंपा है। आज के इस वीडियो में सारा कुछ आपको डिटेल से बताएंगे, पूरी बहनों के द्वारा क्या क्या मांगे रखी गई हैं केयर टेकर बहनों के द्वारा, क्योंकि केयर टेकर के बहुत सवाल आते हैं मेरे पास भी मानदेय को लेकर, पर्सनल खाते में लेकर के, तो वो मांगे यहाँ पर महिलाओं ने अपनी लिखी हुई हैं। सारा ज्ञापन सौंपा है, सारा कुछ डिटेल से वीडियो शेयर करने वाले हैं। और आपको बता दें, ये वीडियो जो शेयर किया गया है आपको, ये हमारे एक सब्सक्राइबर ने ही मुझे व्हाट्सएप पर शेयर किया था, जो आज के इस वीडियो में शेयर आपसे करने वाले हैं। उत्तर प्रदेश की यह जानकारी है। तो पहले आपको हम दिखा देते हैं कि क्या क्या यहाँ पर लिखा हुआ है पत्र में, क्या क्या मांगे रखी गई हैं केयर टेकर बहनों के द्वारा, सामुदायिक शौचालय केयर टेकर बहनों के द्वारा। तो चलिए पहले इसको देखते हैं, उसके बाद वीडियो भी आपके साथ शेयर करेंगे क्या कैसे है। तो आप लोग देख सकते हैं, सामुदायिक शौचालय केयर टेकर क्रांतिकारी मोर्चा स्क्रीन पर देख सकते हैं, 15 नवम्बर 2024 को ये प्रदर्शन किया गया था, जो कि फ़िलहाल मेरे पास ये अपडेट अभी कल ही शेयर की गई थी शाम के टाइम में, और उत्तर प्रदेश के जिला बदायूं की यह जानकारी है। और बात करते हैं, यहाँ पर लिखा हुआ है, देख लीजिए, श्रीमान जिलाधिकारी महोदया जनपद बदायूं, निवेदन के साथ आपको अवगत कराना चाहता हूँ कि ग्राम पंचायत स्तर पर संचालित सामुदायिक शौचालय पर लगे कर्मचारी का मानदेय कई वर्षों व महीनों से न मिलने के कारण आ रही बाधाओं की ओर महोदया जी का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूँ। तो यहाँ पर क्या मांगे रखी गई हैं देख लेते हैं, लगभग 5 मांगे हैं। तो मांगे हैं, जो सबसे पहली मांग महिलाओं ने रखी है केयर टेकर ने, ग्राम पंचायत निश्चय केयर टेकर का मानदेय सीधा उनके खाते में भेजा, यानी कि पर्सनल खाते में भेजा जाए। महोदया, केयर टेकर का मानदेय प्रतिमाह समय से नहीं मिलता व समय से लागू करने की कृपा करें। महोदया, केयर टेकर के मानदेय में बढ़ोतरी की जाए, यानी कि मानदेय बढ़ाया जाए। महोदया, केयर टेकर का रुका हुआ मानदेय भी डाला जाए, जो भी पिछला मानदेय है उनका। महोदया, केयर टेकरों का बीमा भी कराया जाए, यानी कि बीमा को लेकर के भी महिलाओं ने मांगे रखी हैं। इसके बाद, महोदया, मुझे पूरा विश्वास है कि आप यह मांगे पूरा कराने की कृपा करेंगे। मुझे पूरा विश्वास है कि आप केयर टेकर के चेहरे पर मुस्कान लाने का काम करेंगे, धन्यवाद। यह तो था ज्ञापन जो सौंपा गया है, अब बाकी आगे वीडियो आप लोग देखिए, आपको अच्छे से समझ में आ पाएगा। ऐसा नहीं होगा, क्योंकि पूरा समाज ये सोच करके अपने घर से निकला है कि हमारी मांगों को और भोजन पूरा नहीं किया जाएगा। ये वीडियो चालू कर दी है, इधर चालू नहीं करो तुमने। टेकरों की मांग ये है कि मानदेय ग्राम पंचायत स्तर निधि ग्राम पंचायत स्तर से भुगतान हेतु वर्षों से लंबित है, कृपया टेकरों का वर्षे से रुका हुआ मानदेय सीधा इनके खाते में भेजा जाए। कर्मचारियों का राज्य बीमा अधिनियम 1948 की धारा 85 के तहत समस्त टेकरों का एसआई कार्ड भी जारी किया जाए। भविष्य निधि के अधिनियम 1925 की धारा 3 की उपधारा 1 के तहत समस्त टेकरों का पीएफ भी काटा जाए। अतः अनुरोध है कि मांग पत्र में दिए गए सही बिंदु पर अपना विचार करते हुए निम्नानुसार कार्रवाई करने की कृपा करें, अति आपकी महान कृपा होगी। मैं यहाँ कार्यालय पे इनके ऐसे भी घेरा पा सकता हूँ डीएम साहब का, अगर 15 दिन के अंदर अगर समस्या का समाधान नहीं हुआ तो फिर इसके लिए नकलों भी जाएंगे। हमारे
शासन इनका जो कई सालों से मिले ये तो है सर डीपीआर साहब से आज कोई कई सालों के ऐसे ऐसे केस होंगे आपको मिलवा देता हूँ महिलाओं से उनका तीन तीन साल का मानते नहीं पड़ा है तो आप लोग सर आप खुद कंडीशन देखो ये बेचारी गरीब महिला है और फिर इतना गंदा काम कर रही है लैट्रिन धोने का और इनको इनका मेहनताना नहीं मिल रहा है समय से ये सर एक बहुत मतलब मैं यहाँ पे कई बार यहाँ पे धरना प्रदर्शन हो चुके हैं और मैं सर अगर आपकी मेरी सुनवाई नहीं है तो मैं डीएम कार्यालय घेर लूंगी और जब तक अपने न्याय नहीं लेंगी तब तक नाले लेने चाहे हाँ चाहे हमें लोकताल करना भी पड़े और यहाँ से लेकर मजनू तक जाएंगे सर हम एंगेज नहीं रहेंगे हम बहुत पीड़ित महिला है सर कई बार ज्ञापन दे चुके हैं पर हमारी कोई कार्रवाई और कोई सुनवाई नहीं हो रही है नारी शक्ति नारी शोषण नहीं चलेगा सभी लोग बैठ जाओ थोड़े बैठ जाइए बहुत बहुत ही समझ दिया है बैठ जाइए अपनी अपनी जगह भी बैठ जाइए पुराने लोग कम हैं क्योंकि जिन लोगों को हक मिलते जाते हैं वो हटते जाते हैं ये दुनिया की नीति है इसका पेट भर गया वो साइड हो जाता है हाँ तो उनकी गलती है ये सोच रहे हैं कि आगे समस्या नहीं आएगी हम हमें नहीं जाना तो वो गलत सोच रहे हैं क्योंकि समस्याएं जिंदगी भर आती रहती हैं ऐसा नहीं है कि समस्या एक बार में कट जाएगी जिन लोगों के दो दो साल के मानदेय रखे हुए थे हमने डीपीआर से क्या किए दो तीन चार महीने से मेहनत कर रहे हैं एक एक लाख रुपए सात सात हजार रुपए डलवाए हैं अब जिनके पैसे पड़ गए वो नहीं आ रहे हैं वो गलत बात है सही है बताओ गलत बात तो ये गलत बात है तो अब ऐसा मत करना आप लोगों के बजाय तो आप भी आपको भी बुलाए तो आप भी ना हो फिर क्योंकि ये लड़ाई हमारी नहीं है आपकी है क्योंकि नौकरी हम नहीं आप कर रहे हो परेशानी तो हम लोग मैदान में हैं थोड़ी देर में हमारे डीपीआर साहब के ऑफिस से आने वाले हैं बड़े अधिकारी जिस जो तुम्हारी मांगे हैं उनको हम ज्ञापन सौंपेंगे और उस पर कार्रवाई करवाएंगे ठीक है। तो यह थी केयरटेकर बहनों के पांच सूत्री मांगों को लेकर प्रदर्शन जो कि एक प्रकार से बहुत ही अच्छा हुआ है और हमने कई बार आप लोगों से शेयर किया है इसके बारे में वीडियो बनाकर जानकारी दी है कि दीदियां आप सभी इकट्ठा हो करके एकत्रित होकर ज्ञापन सौंपिए तभी कुछ हो पाएगा। अब देखिए उत्तर प्रदेश के बदायूं जिले में अब इसका कार्यक्रम शुरू हो चुका है बहुत ही जल्द उम्मीद है कि सभी जिले में ऐसा ही प्रदर्शन होगा तभी सरकार इसके बारे में कुछ सुनवाई करेगी। और आप सभी ये वीडियो कहाँ से देख रहे हैं हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा इस वीडियो को जितना ज़्यादा हो सके शेयर करें। उम्मीद है कि सरकार आप सभी की बातों को सुने और आप सभी के मानदेय पर्सनल खाते में भेजें।